Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Marula Classes. हेलो बच्चों, आज बात करते हैं BHU के बारे में। अगर BHU का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके पास हज़ारों टाइप के प्रश्न होंगे, तो आपको ये सीरीज जरूर देखने की जरूरत है। मतलब पार्ट वाइज हम लोगों ने एनालिसिस किया, पार्ट वाइज बताया है कि आपको कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, किस रैंक पर कितने क्वेश्चंस करने चाहिए और लास्ट टाइम पर रिविजन कैसे करें। तो उसी को क्रम को बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं, मतलब इस वाले सेशन में बात कर रहे हैं टिक्नोमेट्री में आए हुए क्वेश्चंस को, और टिक्नोमेट्री रिविजन करनी इंपॉर्टेंट है या नहीं करनी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और BHU में सिलेक्शन कैसे पाया जाए। तो इस वीडियो के बिल्कुल अंत तक जाइए, हम ये क्लियर करेंगे कि कैसे आप लास्ट टाइम पर भी सिलेक्शन पा सकते हैं और कितना कॉन्फिडेंस आ सकता है और क्या लास्ट टाइम पर ये टिप्स एंड ट्रिक्स काम करने वाली है या नहीं। तो लास्ट तक जाएं वीडियो के अंत तक। तो ये तीन क्वेश्चन से ये हाईलाइट दिखा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे पढ़नी है। आपको पूरी बुक्स बिल्कुल स्कैन नहीं करनी है, आपको ओरिएंटेड टारगेटेड क्वेश्चंस करने हैं, उनमें से हम आपको क्वेश्चंस दिखाएंगे और अपनी बुक से या अपने कंटेंट से ऐसे मिलते जुलते ही क्वेश्चंस करें। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने के चक्कर में ना रहें, कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करें। तो देखें 109° -10 27° -10 63° +10 81° इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 4। तो लगातार लाइन से ऑप्शन दिए गए हैं, आपको कमेंट्स भी करना है तो आप पेन कॉपी उठा ही लें। और यहाँ पर ट्राइंगल ABC में कॉस के ब्रैकेट के अंदर है साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी, क्या आंसर होगा, सी बाई ए होगा, ए बाई सी होगा, 1 होगा 0 होगा। तीसरा क्वेश्चन है स्ट्रेट फॉरवर्ड, 1 - 10 square 15° √3/2 1/2 1 and none। तो आप इन सारे क्वेश्चन जो BHU में आए हैं, जी हाँ, ये ऐसे ही क्वेश्चन नहीं उतारे गए, BHU लास्ट ईयर के क्वेश्चन में से क्वेश्चन दिए गए, आपको दिखाया जा रहा है कि BHU में आए हुए क्वेश्चन क्या आप लास्ट टाइम पर कर सकते हैं। डरें बिल्कुल नहीं और एक बार जरूर ट्राई करें, और हम हाजिर होते हैं अभी सॉल्यूशंस के साथ। तो आपने ट्राई किए होंगे, अगर नहीं कर पाए तो बने रहिए। देखिए यहां क्या करते हैं, 10 9 9° और 10 81° को हम एक साथ ले लेते हैं, और ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, 10 27° और प्लस 10 63° को साथ ले लेंगे। अब ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, मतलब इनका सम क्या बन रहा है, 90। तो कभी भी थीटा 1 प्लस थीटा 2 का सम 90 बने तो आप जान रखें कि 10 थीटा 2 अगर लिखा है उसकी जगह आप कॉट थीटा 1 लिख सकते हैं, या कॉट थीटा 1 की जगह 10 थीटा 2 लिख सकते हैं। तो ये देखिए कि क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 9° और प्लस यहाँ पे 90 - 9 करोगे तो कॉट 9° लिख जाएंगे। इसी तरीके सिमिलर यहाँ पर भी 10 27 और प्लस कॉट 27° लिख लेंगे। अब आप साइन कॉस और साइन कॉस में चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ साइन थीटा साइन 9 upon cos 9 हो जाएगा और यहाँ cos 9 upon sin 9 हो जाएगा। तो जब आप LCM लेंगे उसी तरीके से वो भी सॉल्व कर सकते हैं, तो sin 9 और cos 9 यहाँ पे हो जाएगा, sin²θ और प्लस cos²θ यहाँ आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 upon sin 18 हो जाएगा, यानी जो लिया आपने 9 का 2 गुना 18 हो गया। इसी तरीके से 2 upon 27 का 2 गुना sin 54° हो जाएगा। तो यहाँ पे sin 18 sin 54 की वैल्यू मैंने रखी है, आप सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ रख दीजिए, 2 कॉमन लिया तो जब रखेंगे तो 4/√5 - 1 और -4/√5 + 1 हो जाएगा। जब आप LCM लेंगे तो आप देखेंगे 2 4 भी आपका LCM कॉमन हो गया तो यहाँ पे आएगा √5 - 1 और √5 + 1, तो 5 - 1 और ये आ जाएगा √5 + 1 -√5 + 1 हो जाएगा। तो √5 से √5 कैंसिल, ये आया 4 4 से कैंसिल, तो 2 2 4 हो गया, तो आंसर कितना आया 4 4, कहाँ डी ऑप्शन सही हो गया। अब ये देखते हैं कॉस के, तो कॉस के तो ऐसे ही रहेगा। अब ये साइन बी कॉस सी, कॉस बी साइन सी हो गया साइन बी प्लस सी, तो साइन बी प्लस सी लेंगे। अब आपको दिया गया ट्राइंगल ए बी सी में सम 180° है, तो बी प्लस सी बराबर होगा 180 - a, तो यहाँ पर लेंगे कॉस एक ए और साइन 180 - a, साइन 180 - a मतलब है साइन ए, तो साइन ए कॉस एक ए का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 1 होगा। ये था स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, और ये फार्मूला होता है 1 - 10²θ upon 1 + 10²θ, दैट इज cos 2θ, जी हाँ cos 2θ, तो cos 2 15 15 × 30 होगा और cos 15 30 होता है √3/2, तो ए ऑप्शन सही था। ये रहे, मुझे लगता है कि अगर आप काउंट करेंगे तो ऑप्शन टिक करने में आपको बिल्कुल देर नहीं लगेगी,
और आपका अगर कॉन्सेप्ट मजबूत है, फार्मूले मजबूत हैं, ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो लास्ट टाइम पर आप फार्मूले रिवाइज करें, हल्के फुल्के फार्मूले जरूर देख लें, 15 डिग्री है, 18 डिग्री है, ऐसे फार्मूले 1 - tan²θ / 1 + tan²θ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक बार आत्मविश्वास के साथ जाएंगे तो एग्ज़ाम दे पाएंगे। एक और लास्ट में ट्रिक्स है, एक और लास्ट में आपके पास टिप, मैं टिप्स देने वाला हूँ, तो उस टिप्स को आप सुन जरूर लें लास्ट में। अगर आप बिल्कुल परेशान हैं, आपके पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या किया जाए क्या किया जाए, कुछ ऐसा तरीका बताया जाए, तो आपके पास एक ऐसी सीरीज है मावला क्लासेस की, ऐसा नॉक है फाइनल, हाउ मेनी क्वेश्चंस मस्ट बी अटेम्प्ट फॉर गेटिंग सिलेक्शन इन BHU। जी हाँ, इस वाले सीरीज के आप सारे पार्ट देखिए, हल्के फुल्के पार्ट हैं, आप एक बार देख डालिए तो आपको ये पता चल पाएगा कि कितने क्वेश्चन किए जाएँ, कितने क्वेश्चन पर कौन सी रैंक लग सकती है, सिलेक्शन लेने के लिए मिनिमम क्वेश्चन कितने हैं, कट ऑफ कैसे आता है, ये सारे बात इनवर्स नहीं है, इन पर बहुत सारा स्टैट्स इकट्ठा किया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बात की थी, बहुत सारे लोग लगातार पूछते आ रहे थे, तो इस पर एक कैलकुलेशन किया गया, एनालिसिस इकट्ठी की गई है और फिर बताया गया है कि कितने क्वेश्चंस लास्ट के पैटर्न और ट्रेंड पे क्या आ रहे हैं, तो ऐसे सारे पार्ट्स आप देख डालिए। और अगर आपके पास अभी भी कोई आत्मविश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप www.mawlaonlinetest.com पर BHU क्विक रिविजन टेस्ट जरूर एक बार दे दें, ये अपलोड किया गया है, अगर बचिए अगर आप दे सकते हैं तो आप दे दीजिए, जिससे कि आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और एक बार आपका इवेल्यूशन भी हो जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आए। और लास्ट में बोला जाता है कि फाइनल नॉक है कि ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में ना पढ़ें, ज़्यादा पढ़ना नहीं है आपको, केवल फुल इंजॉय, मस्त रहें, बढ़िया खाएं और आराम से बढ़िया नींद लें, और हल्का फुल्का आप फॉर्मूले रिवाइज करिए, आप ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा और अंत भला सब भला, इसी आइडियोलॉजी पे आप एग्ज़ाम दें और जो होगा फिर देख लिया जाएगा। और अभी भी तो याद कर रहे हैं, लास्ट में याद करते रहिए, बाद में भी याद करिए, हम कुछ ना कुछ आपके लिए उपाय करेंगे ही, तो आपको इंजॉय करना है, कोई एक्सपेक्टेशन अपने आप से नहीं पालनी है, कोई ऐसा दबाव नहीं, कोई कितना भी कहता रहा कि आपको अच्छा करना है, आपको मेरे लिए करना है, आपको रैंक मारनी है, कुछ नहीं, कोई सुनना नहीं है, आराम से मस्त आप रहिए और बढ़िया तरीके से कुछ पेपर आपको करना है और देखिए पेपर अच्छा होगा, ये भरोसा है, ये आत्मविश्वास है, मुझे आत्मविश्वास है कि आप अगर लास्ट तक इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर प्रयास करने की क्षमता है, बस उस क्षमता को 100% बनाइए, अपनी एनर्जी को 100% बनाने की कोशिश करें, आप ये ना करें कि हमें आता बहुत था और कर कम आए, बस इस आइडियोलॉजी से बचें, ये क्वेश्चंस के बबल फिल नहीं कर पाए, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये कास हो गया, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा कर पाए, इस बात को फाइनल नॉक करना है कि यार ये नहीं आते हुए भी हो गया और ये कैसा क्वेश्चन हो गया, सरप्राइज्ड हैं, ऐसे आपके रिव्यूज़ होने चाहिए कि यार एक बार कुछ भी नहीं आता था फिर भी हम कर ले गए, तब मज़ा आएगा सिलेक्शन में। चलिए